स्नेक रेस्क्यू इन फ्लड्स। कीर्तिपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, वो जंगल के बीचों बीच हुआ करता था। वहां लोग खुशी से जीते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही दुर्लभ जाति का सांप रहता था। वो ना ही सिर्फ बड़ा था लेकिन लोगों के साथ बात भी कर सकता था। वो ताकतवर होने के बावजूद किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता था और रोज लोगों के पास आकर जो कुछ भी वे देते उसे खाकर चले जाता था। लेकिन वो सांप का यूं आना उस गांव में रहने वाले रामू सोमू को बिल्कुल नहीं पसंद था, इसीलिए वे अपने हिस्से का खाना उसे कभी नहीं देते थे। एक दिन लोग उस सांप को खाना दे रहे थे, वहाँ रामू सोमू आए। क्यों सांप कहीं का, रोज हमारे गांव का खाना खाकर मोटी हो रही हो ना, यहाँ आकर यूं खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? भूख में क्या शर्म, वैसे तुम तो मुझे कुछ डालते नहीं हो, तो तुम्हें क्या परेशानी है? आहा, बातें तो बड़े बड़े सीख कर आए हो, इसलिए कुछ भी बोलोगे। चुपचाप हमारे गांव आना बंद करो, वरना तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम नहीं जानते। अरे रामू, ऐसे क्यों बात कर रहे हो रे? ऐसे बात करते हुए सांप को कभी देखा है क्या? ऐसे कभी सुना भी है क्या? देखो, ये सांप की वजह से हमारा भला होगा, ऐसे ये हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही बोला है, इसलिए तुम लोग इस सांप को कुछ मत कहो। क्यों रे बुड्ढे, ये सांप और तुम्हारे बीच कोई डीलिंग्स हो रखे है क्या? इतना सपोर्ट जो कर रहे हो, देखो इस गाँव में सब इस बुड्ढे के बातें सुनकर धोखा खा रहे हो। एक और बात, ये सांप वेजिटेरियन है, वैसे भी हमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसे कोई खाना मत दो, अपने बारे में सोच लो बस। रामू सोमू की ये बातें सुनकर वहाँ के गांव वाले सांप को खाना देना बंद कर दिए। वो सांप भी रोज आकर खाना ना होने पर जंगल चली जाती थी। वो सांप भी कुछ दिनों बाद खाना छोड़ दी। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वो सांप फिर गांव आई। आकर वहां मौजूद लोगों से सांप, देखिए ऊपर से नदी का बहाव बहुत तेज है, जरूर बाढ़ आएगी, आप जल्दी किसी ऊंची जगह पर चले जाइए, 2 दिन में बाढ़ शांत होने पर घर लौट सकते हो। देखा, इस सांप का प्लान, हम अगर बाढ़ आने के वजह से निकल जाएंगे तो हमारे घरों में घुसकर सब खाना चाहती है ये। हम इतने बेवकूफ नहीं है। नहीं नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, मैं वैसे भी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी जान तो कब की चली जाएगी, कृपया करके मेरी बात का विश्वास करें और अपनी जान बचा लीजिए। लेकिन गांव में किसी ने उस सांप की बातों पर विश्वास नहीं किया, तब सांप वहाँ से चली गई। अगले दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, सारे लोग पानी में डूबने लगे। वो देखकर सब बचाओ यूं चिल्लाने लगे। इतने में उनके पास बड़ी तेजी से वो सांप आई। अब लोगों से सांप, आप लोग फिकर मत कीजिए, मैं हूँ ना, आप तुरंत मुझ पर चढ़कर बैठ जाइए। इससे लोग सब बेचारे उस सांप पर चढ़कर बैठ गए। सांप में जरा सा भी ताकत नहीं थी, फिर भी किसी तरह लोगों को दूसरे सुरक्षित जगह पर लेकर गई। फिर ताकत ना होने के कारण वो सांप ऐसे ही गिर गई। अब उसे देखकर वो गांव का बड़ा, देखा तुम लोगों ने, हमें बचाते बचाते उसका क्या हाल हो गया, और तुम लोगों ने 2 मूर्ख की बातें सुनकर बेचारे को खाना ना देकर एक अच्छे दोस्त का क्या हाल कर दिया। इससे लोग बहुत दुखी हुए। अब लोगों से वो सांप, देखिए मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं हूँ, मुझे वो भगवान ने जो वक्त दिया था वो खत्म हो गया है, मेरे गुजर जाने के बाद मुझे सब अपने आप में बांटकर खुशी से जिंदगी बिताइए, कहकर वो सांप गुजर गई। फिर वो सांप एक हीरों के ढेर में बदल गई। वो देखकर लोग दंग रह गए। फिर रामू सोमू भी अपनी गलती का एहसास करते हुए बहुत दुखी हुए।